दोस्तों आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये एसएससी सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम में 11/9/2019 को पूछा गया था। तो 2018 वाला मेंस था। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से आप लोग इसको एग्ज़ाम में कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया जाता है, ठीक है। तीसरे और चौथे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे, आप इसको कंसेप्ट के हिसाब से किस तरीके से कर सकते हो, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आप 2-4 सेकेंड में इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर आपको पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके लास्ट से 1 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। एक अंक छोड़ करके 1 दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव लगाएंगे तो 1800 बनेगा, ठीक है। 1800 बनेगा जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों जो है सेम होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल तीसरे और केवल चौथे वर्ष का अंतर पूछा गया, ठीक है। तीसरे और चौथे वर्ष का नहीं पूछा गया है, केवल तीसरे और केवल चौथे वर्ष का अंतर यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दूसरे वर्ष का हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका 10% और इसका 10% दोनों को जोड़ देंगे तो हमें दूसरे वर्ष का मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें केवल दूसरे वर्ष का निकालना होगा, केवल, ठीक है, ओनली सेकेंड ईयर, ठीक है, ओनली सेकेंड ईयर का निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस मतलब 1800 जो हमारा फर्स्ट ईयर का आया है इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 हो जाएगा इसका 10%, और इसको जोड़ देंगे हम इसी में, ठीक है। तो हो जाएगा 0891, ठीक है। तो 1980 जो आया है ये हमारा क्या है, ये केवल दूसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है। ध्यान देना है, केवल दूसरे वर्ष में जो मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है वो है, ठीक है। अगर हमसे पूछा दो वर्ष का कितना होगा तो 1980 में 1800 और जोड़ देते तो ये 2 वर्ष का होता, लेकिन ये जो 1980 आया है केवल दूसरे वर्ष का है। बिल्कुल इसी तरीके से हम केवल तीसरे वर्ष का भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका 10% निकालते हैं, ठीक है। 198 का जो है 10% हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा, और उसको फिर से इसमें हम दूसरे वर्ष वाले में जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2178, ठीक है। ये जो है ओनली थर्ड ईयर का आया है, ठीक है, ओनली थर्ड ईयर का आ गया है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का हमने निकाला सबसे पहले, ये दूसरे साल का, ठीक, सॉरी, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आया 1800 रुपये, उसके बाद इसका 10% निकाल करके इसी में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आया ये केवल और केवल दूसरे वर्ष का होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इस 1980 का 10% निकाला, 10% क्यों, क्योंकि रेट यहाँ पर 10% दिया गया, ठीक है। तो इसका 198 आया, इसी में जोड़ देंगे तो केवल जो है तीसरे वर्ष का आ गया, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि तीसरे और चौथे, केवल तीसरे और केवल चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम केवल चौथे वर्ष का निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, इसके एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे 10% आ जाएगा तो ये बनेगा 217.8, ये हो गया, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो हमें जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं, अच्छा, ठीक है। वैसे आपको चौथे वर्ष के निकालने की जरूरत नहीं है, 8, 7, 15, 5 और 9, 3 और 2, ये जो है ओनली फोर्थ ईयर का आया, ठीक है, ओनली फोर्थ ईयर का हमको मिला है, ठीक है। तो अब आपको इसका और इसका, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का डिफरेंस निकालना है, जो कि ये आपका ये वाला आ गया है, ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा, आंसर आएगा 217.8, ठीक है, ये हमारा आंसर है जो कि पहला ऑप्शन यहाँ पर है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बट अगर आप एग्ज़ाम में हैं और आपको इसको, इस क्वेश्चन को 2-4 सेकंड में करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास अमाउंट जो दिया गया है, सबसे खास बात है अमाउंट की, वो है 18,000, ठीक है,
18,000 रुपये है। और इसका हम अगर कोई भी पर्सन निकाल लें, ठीक है, एक्स परसेंट मान लो हम निकालते हैं, ठीक है, कोई भी कितना भी परसेंट मान लो आप परसेंट के हिसाब से करते हो, तो केवल तीसरे वर्ष का परसेंट जो भी आएगा उसको निकालोगे, केवल चौथे वर्ष का परसेंटेज जो भी आएगा उसका निकालोगे, और दोनों परसेंटेज का अंतर लोगे तब इस अमाउंट का परसेंटेज उतना निकाल लोगे, ठीक है। तो इस परसेंटेज का हम जो है कितना, मतलब इस अमाउंट का कितना भी परसेंटेज निकालें, डिजिट सम जो होगा, डिजिट सम हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिजिट सम इसका 9 हो रहा है, और जब किसी अंक का डिजिट सम 9 होता है तो उसको हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें, वो हमेशा डिजिट सम कितना होता है, 9 ही होता है। तो हमारे आंसर का भी डिजिट सम जो है 9 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि अंकों का जो योग होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। इसका है 6 2 8 2 10, यानी कि इसका डिजिट सम कितना है, 1 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें 9 चाहिए, ठीक है। 8 1 9 9 हो गया है, 2 2 4, तो इसका डिजिट सम कितना है, 4 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 4 9 2 1 3, इसका कितना है, डिजिट सम जो है 3 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में देखिए 8 1 9 ये हो गया है, और 7 2 9, ठीक है, तो इसका डिजिट सम कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, और ये आपका पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से भी अगर आपका डिजिट सम से नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से फास्ट कर सकते हो। बस करना क्या है, एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। हमारा अमाउंट है 18,000, हमने पहले वर्ष का निकाल लिया चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद केवल दूसरे वर्ष का निकालना है, तो इसी में से हम 10% और निकाल करके इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए अगर हमें 2 साल का निकालना होता, यहाँ पर देख लीजिए, तो 10% की दर से आपको पता है 21% होता है, ठीक है, 18,000 है, 21% होता है इसका, ठीक है, 21% होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 0 2 0 कट जाएगा, और जिसको हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 18 36 और 1 37 3780 रुपये आएगा, ठीक है। और अगर इसमें से हम लोग 1800 माइनस कर देंगे, तो 08 ये पहले वर्ष वाला माइनस करते हैं, ठीक है, तो 9 और 1 1980 आएगा, जो कि यहाँ पर ये केवल दूसरे वर्ष का है, ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर पहले वर्ष का इसमें से माइनस करें तो केवल दूसरे वर्ष का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही आया हुआ, केवल दूसरे वर्ष का। सेम उसी तरीके से इसका 10% निकाल कर इसमें जोड़ा, केवल तीसरे वर्ष का मिल गया, ठीक है। अब इसका 10% निकाल लेंगे, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। केवल तीसरे और केवल चौथे वर्ष का अंतर पूछा गया है, तो हमारा 217.8 आंसर आएगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको इस तरह के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।